बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां मीट फैक्ट्री में युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साई भीड़ ने फैक्ट्री में खड़े वाहनों के शीशे फोड़े। गुस्साए लोगों ने ऑफिस में भी तोड़फोड़ मचाई। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। सूचना पर खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह भी मौके पर पहुंची। परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा देकर शांत कराने का प्रयास जारी है। सुबह फैक्ट्री में उत्तम कुमार उर्फ उमेश नाम के ठेकेदार की हुई थी संदिग्ध मौत। फैक्ट्री के बाथरूम में फंदे पर लटका मिला था उत्तम कुमार का शव। एएसपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी यामिन कुरैशी की है मीट फैक्ट्री। खुर्जा के मुंडा खेड़ा रोड स्थित मदीना फ्रोजन फूड एक्सपोर्टर्स का मामला। सर, एक मीट फैक्ट्री में एक युवक का शव मिला है, क्या है मामला पूरा? तो सर क्या कार्रवाई की? हाँ, अभी लोग भी जब जानकारी हुई तो मौके पे गए हैं। एडीएम साहब हम और हमारा पुलिस प्रशासन के अधिकारी सभी लोग मौजूद थे। अभी मृतक के बेटे से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि सुबह 4:30-5 बजे के आसपास वो घर से आए। जो मृतक हैं ये महिला वर्कर्स के सप्लायर है यहाँ के लिए, फैक्ट्री के लिए, तो वो घर से आते हैं। इसके बाद उनके बेटे का ये कहना कि मम्मी ने आधे घंटे बाद हमको कहा कि मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही, मन अच्छा सा नहीं लग रहा, तो छटपटाहट सी हो रही, तुम चले जाओ फैक्ट्री। उनके कहने पे बेटा उनका आया है, फैक्ट्री के अंदर गया है और जा कर के देखता है कि फैक्ट्री के अंदर जो बाथरूम है उसमें जैसे पंखे के लिए हुक बना होता है, तो उसी तरह से वो ऊपर लगा हुआ है, जिसमें खुद के मफलर से इसकी डेड बॉडी लटकी हुई पाई गई। देखने से भी ये लग रहा कि गले की हड्डी टूटी हुई है। फॉरेंसिक टीम हमारी आके मौके पे देख ली और सारे एविडेंस कलेक्ट किए हैं और डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया। सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है फैक्ट्री में पथराव भी किया गया है, तोड़ फोड़ की गई है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? हाँ, चूँकि आप लोग खुद यहाँ देखे कि सूचना देर से आई पुलिस को, तब तक कुछ लोग फैक्ट्री में घुस गए थे तो गाड़ियों के साथ तोड़ फोड़ हुई है, गमले के साथ तोड़ फोड़ हुई, तो तोड़ फोड़ हुई है। तो अब फैक्ट्री मालिक चूँकि अभी यहाँ आए नहीं, हमारे पास आते हैं तो जो भी वो देते हैं उसके अनुसार कार्रवाई होगी।